आपका टेक्निकल ज्ञान में, उम्मीद है आप घर में सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वह कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में क्या डिफरेंस है, इसमें से कौन सा एसी बेटर है, कौन सा बेटर नहीं है, क्या दोनों में डिफरेंस है, क्या दोनों के फ़ायदे हैं नुकसान हैं, किसको हमें लेना चाहिए किसको हमें नहीं लेना चाहिए, इसी टॉपिक को हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी अगर मैं लुक वाइज बात करूं तो ये दोनों एसी आपको सेम मिलेंगे। जब भी आप मार्केट में एसी परचेज करने जाएंगे तो आपको एसी देखेंगे, इनडोर यूनिट आउटडोर यूनिट दोनों आपको सेम एक जैसे देखेंगे, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा। हाँ, ये आपको तभी पता लगेगा जब यदि इसमें लिखा हो इन्वर्टर एसी, तभी आप इसको इससे पता लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको नहीं पता लगेगा। दोस्तों इन दोनों में जो दूसरा मेन डिफरेंस है वो है पावर कंजप्शन का, जिसके लिए कि इन्वर्टर एसी जो है सबसे ज़्यादा, मतलब इन दोनों में जो है मेन जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस वो है पावर कंजप्शन का। यहाँ अगर मैं नॉन इन्वर्टर एसी, एक नॉर्मल एसी अगर मैं चलाता हूँ दो से तीन घंटे, और वही मैं अगर तीन घंटे चलाता हूँ इन्वर्टर एसी, तो दोनों की जो पावर कंजप्शन है 30 से 40% का जो डिफरेंस आ जाता है। यही है दोस्तों इसमें मेन डिफरेंस इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना डिफरेंस आता कैसे है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा इसके कंप्रेसर के बारे में। क्योंकि अगर आप नॉर्मल एसी को जैसे अगर आप ऑन करते हैं, सपोज अगर आपने 23 टेम्परेचर सेट किया रूम का और आपने उसमें एसी को ऑन किया, तो वो एसी जो है उसमें, नॉर्मल एसी की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, नॉर्मल एसी में जो है यहाँ पर कंप्रेसर अपनी पूरी फुल स्पीड पर चलता है। फुल स्पीड पे चलने के बाद जैसे ही वो 23 टेम्परेचर को अचीव करेगा तो उसका जो है कंप्रेसर जो है कट ऑफ हो जाएगा थर्मोस्टेट के थ्रू। थर्मोस्टेट जो है टेम्परेचर को सेंस करता है और वो कंप्रेसर को कमांड देता है, तो उस समय कंप्रेसर जो है बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर 24-25 जाएगा तो उस कंडीशन में जो है इस कंप्रेसर इसका ऑन हो जाएगा। यदि वो कंप्रेसर ऑन होगा तो अपनी फुल स्पीड पे ऑन होगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे बात करता हूँ नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में, वो इन्वर्टर एसी के बारे में। इन्वर्टर एसी में दोस्तों होता क्या है, इसमें जो है डीसी मोटर लगी होती है जो कि वेरिएबल स्पीड मोटर होती है। अब ये दोस्तों मोटर काम कैसे करती है, सपोज़ अगर आपने 23 टेम्परेचर आपने रूम का सेट किया हुआ है तो इस कंडीशन में ये मोटर चलेगी। पहले ये स्लो स्पीड पे चलती है, फिर धीरे धीरे इसकी स्पीड जो है हाई होती चली जाती है, और लेकिन जैसे इसमें टेम्परेचर अचीव होता है तो इसकी स्पीड जो है धीरे धीरे, सबसे पहले सपोज़ अगर ये 100% पे चल रही है तो 80 पे आएगी, फिर 70, 60, 50, 30, 20% तक ये आ जाएगी स्पीड। लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है, कंप्रेसर कभी भी बंद नहीं होता, इसमें कंप्रेसर जो है कंटिन्यू ऑन रहता है, जो कि रूम के टेम्परेचर को जो है मेंटेन करके रखता है। इसमें जो है टेम्परेचर अगर एक बार मेंटेन हो गया तो ये टेम्परेचर जो है कंटिन्यू मेंटेन रहता है। दोस्तों ये इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इसमें जो मोटर की स्पीड जो है अप एंड डाउन होती है, बल्कि जो हमारा नॉर्मल एसी होता है उसमें जो है मोटर जो कंप्रेसर है अपनी फुल स्पीड पर चलता है। तो दोस्तों तीसरा जो इसमें मेन डिफरेंस है, आपको यहाँ पर नॉर्मल एसी में जो है एकदम इंस्टेंट कूलिंग मिलती है। सपोज़ अगर आपने जैसे एसी को, नॉर्मल एसी को आपने ऑन किया, तो उस कंडीशन में इसमें होता क्या है, सीधा कंप्रेसर अपने फुल ब्लास्ट पे चलेगा, यानी ये पूरी एकदम फुल एफिशिएंसी पे चलेगा और रूम को जो है जल्दी ठंडा कर देगा, एज़ कम्पेयर टू इन्वर्टर एसी। अगर मैं यहाँ पे इन्वर्टर एसी की बात करूँ तो इन्वर्टर एसी क्या करेगा, चलता है वो, लेकिन वो पहले अपनी स्लो स्पीड पे चलेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी स्पीड को जो है, उसकी जो है स्पीड धीरे धीरे हाई होगी, और जब इसकी एक बार पूरी हाई स्पीड हो जाएगी तब जाके अपनी पूरी फुल कूलिंग पे चलता है। लेकिन जैसे इसका टेम्परेचर यहाँ पे अचीव होता है तो इसकी जो है कूलिंग कांस्टेंट रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसका चौथा डिफरेंस है वो है कूलिंग से रिलेटेड। उसमें जो है कूलिंग जो है नॉर्मल एसी में एकदम से टेम्परेचर अचीव होता है, फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, फिर उसके बाद जो है टेम्परेचर रिड्यूस होने लगता है। लेकिन यहाँ पर अगर इन्वर्टर एसी की बात करूँ तो यहाँ पर जो है कंप्रेसर जो है एक टेम्परेचर जब एक बार इसका सेट हो जाता है तो उस स्पीड को, उस टेम्परेचर को जो है कंप्रेसर जो है बनाए रखता है, कॉन्स्टेंट जो है उस टेम्परेचर को रखता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट की। यहाँ पर अगर मैं देखूँ नॉर्मल एसी में, एक नॉर्मल ज़्यादा उसमें उतनी टिपिकल चीज़ें नहीं लगी होती, नॉर्मल चीज़ें लगी होती है। इसमें होता क्या है, कंप्रेसर हो गया, स्टार्टिंग रनिंग कैपेसिटर हो गया, रिले हो गए, थर्मोस्टेट हो गया, एक नॉर्मल सी पीसीबी होती है। मैं बात करूँ अगर इन्वर्टर एसी की, तो इसमें कंप्रेसर ये सारी चीज़ें तो होती हैं, इसके अलावा इसमें एक पीसीबी कार्ड होता है जो कि इंडोर आउटडोर यूनिट में डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, और जो कि मोटर की स्पीड को जो है कंट्रोल करता है। और ये पीसीबी कार्ड दोस्तों काफ़ी कॉस्टली होते हैं और ये ओपन मार्केट में जो है अवेलेबल नहीं होते हैं।
अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल एसी की बात करूँ, इसके पीसीबी कार्ड जो हैं ओपन मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं, और कोई भी इसे लोकल जो है दुकानदार जो जो रिपेयरिंग एसी की शॉप वाले हैं वो उसको रिपेयर कर देते हैं। लेकिन अगर इन्वर्टर एसी की पीसीबी की बात करूँ तो ये सिर्फ कंपनियों में ही अवेलेबल होती है, और इसकी स्पीड जो है मतलब जो इसकी कॉस्ट जो है वो काफ़ी हाई होती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अगले पॉइंट की बात करूँ इसकी कॉस्ट की, अगर नॉर्मल एसी आप एक ख़रीदने जाते हैं तो ये आपको 1.5 टन का जो एसी है नॉर्मली 30-35,000 के बीच में मिल जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे इन्वर्टर एसी की बात करूँ तो इसकी कॉस्ट जो है थोड़ी हाई चली जाती है, 45-50,000 के करीब आपको इन्वर्टर एसी जो है मिलता है। दूसरा दोस्तों, नॉर्मल एसी में जो कंप्रेसर की जो वारंटी है वो आपको 2 से 3-5 साल के बीच में मिलती है। लेकिन अगर मैं इन्वर्टर एसी की बात करूँ तो यहाँ पर जो इसकी वारंटी है वो आपको मिलती है 10 साल तक दोस्तों, क्योंकि इसके कंप्रेसर जो है हाई एफिशिएंसी के होते हैं, और कंपनियों को पता होता है कि इतने टाइम जो है कंप्रेसर आराम से निकालता है, कहीं कई जगह आपको इससे ज़्यादा की भी, किसी कोई कोई कंपनी आपको इससे ज़्यादा की भी वारंटी देती है। तो दोस्तों ये थे डिफरेंस नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी में। अब मैं आपको यहाँ पे एक मैं आपके साथ जो डिस्कस करना चाहूँगा कि आपको कौन सा एसी खरीदना चाहिए। ये सारी चीज़ें देखते सुनने के बाद आपके दिमाग में जरूर आ रहा हो, जो ये बात जरूर आ रही होगी हमें कौन सा एसी खरीदना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे डिपेंड है एसी के यूजेस पे कि आप एसी का कितना यूज़ कर रहे हैं। अगर आप एसी का जैसे यूज़ करते हैं सिर्फ नाइट के टाइम पे, यानी रात को सोते वक्त अगर आप एसी का यूज़ करते हैं, आपका एसी घर में 6 से 7 घंटे चलता है, तो उस कंडीशन में मैं रेकमेंड करूँगा कि आपको नॉर्मल एसी के साथ जाना चाहिए। लेकिन यदि आपके एसी के जो रनिंग आवर है वो 15 से 18 घंटे के बीच में है, अगर आप जो है एसी जो ज़्यादा चला रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको जो है इन्वर्टर एसी ख़रीदना चाहिए। किसी किसी घर में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एसी चलते हैं, और कोई कोई से लिमिटेड जो है पीरियड में यूज़ करता है। ज़्यादातर कमर्शियल एरिया में भी ये स्प्लिट यूनिट जो है यूज़ किए जाते हैं, और वहाँ पे मैंने देखा, आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे ज़्यादातर इन्वर्टर एसी यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड है, ये आपको देखना है कि आपके घर में जो एसी के यूजेस कितने हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ नॉर्मल एसी और इन्वर्टर एसी के बारे में जो चीज़ें मुझे पता थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप चैनल पे नए हैं, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड नई नई वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। और दोस्तों इसको दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना। कैसी लगी दोस्तों अगर आपको वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं दोस्तों अपने अगली वीडियो में नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, जय हिंद।